वेलकम टू माय न्यू व्लॉग भाई। आज मौसम कति एकदम बढ़िया है, बारिश का मौसम है और हम आज बनाएंगे पकोड़े। और मतलब इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे चूल्हा बनाएंगे। अरे भाई बेसन बना लिया हमने चक्की में, तो ये देखिएगा चक्की पे बेसन बना दिया। खड़को रहा यार भाई, सुभाष के घर पे आ रहे हम सुभाष के, और इनका ये चने है ना, तो गणे लोग सोचते होंगे बेसन किस चीज़ का बना है, तो बेसन बना भाई चनों का, चनों का बेसन बनाते हैं। चलो पहले बेसन हमने बेसन बन के तैयार हो गया है, देखो कभी एकदम बढ़िया वाला। और अब इसके बनेंगे पकोड़े। ये बहुत पुराना घर है, ओल्ड होम है, और यहाँ पे लिख दिया 1970 में घर बने थे। और ये देख सकते हैं सुभाष का घर है, उस तरफ ये अपना घर है, तो ये यहाँ पे बनाएंगे इस तरफ। और ये पानी वगैरह की पूरी व्यवस्था है, यहाँ पे चूल्हा बनाएंगे। और भाई पूरा तैयारी के साथ अंदर सामान रखा है, यहाँ थोड़ा अंधेरा है भाई, ये मैंने बताया था 1970 के पहले घर है। पहले थोड़ी सफाई की करी जाएगी और फिर जो है चूल्हा बनाएंगे यहाँ पे। एन इंटो का ही बन जाएगा चूल्हा क्या, ये ढिल्लो साहब यहाँ साफ कर रहे हैं यार। ये खड़का बड़ा हो रहा है यार आज, वैसे मौसम में ना पकौड़े खाने का लगी मजा है ना, और बनाने का उससे भी ज़्यादा मजा है। चूल्हा देखो, ये चूल्हा है पुराने कंपनी का, जो अभी इस दुनिया मतलब है फिलहाल यार। कंपनी बनाना छोड़ गई, बस कंपनी तो है, कंपनी ने बनाना छोड़ दिया। एक खास बात बताऊं, जो ये पेड़ लग रहा है ना, ये पेड़ देख रहे हो आप ऊपर, ये छत पे लग रहा है पेड़, ये देखिए इस पेड़ के ना जो हमें ना पकौड़े बनाएंगे इसको बोलते हैं। बनेगा भाई देख, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनेगा, सही बनेगा चूल्हा। इतनी चौड़ी कढ़ाई भी होगी यार, छोटा कर ना भीड़ा कर यार, मिलाना नहीं गई पीछे, कौन देगा ईंटियां, यहाँ कौन देगा पीछे। ये यार सुभाष ये करेगा सही, काटे करो देखिए। हाँ ये हुई ना बात, ले आए हैं लकड़ी और ये ले आए हैं उपले, यानी कि गुस्से बोल लिया करे भाई। और ये बनाने चूल्हा हम तैयार करते हैं, तैयार करके मिलते हैं आपको सीन। आग जल के तैयार है, हमारी पतीली इसमें रखी है, इसमें आलू है, हाँ इसमें दिखा दो आलू बढ़ रहे हैं। गाइस हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और फिलहाल जो आलू बढ़ रहे हैं, तो पूरा मतलब आलू चीर के ना पहले ब्रेड बनाएंगे, फिर पकौड़े बनाएंगे। चुप और ये पल्ली में छाया बढ़िया काम हो गया, सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। अब ये अभी पूरा देख सकते हैं, इसमें थोड़ा नीचे लिया ना आवाज कम करी, रुक दे। ये लिया है पालक, इसमें ब्रेड है और इसमें प्याज है, तेल मतलब थोड़ा चाहिएगा लेकिन इसमें ये एक्स्ट्रा है, ये और ये इसमें बना दिए मैंने, कर लाए गए उसमें आलू बड़े लाए गए, ये ढिल्लो साहब चटनी लाए गए, कुटने वो मसाला बना लाए गए। देसी गुंडी है भाई, देसी वो मिक्सी में नहीं करा करते, सारा देसी काम चल रहा है। देख ठीक है छप्पन ना तक ना कढ़ाई ठहले कढ़ाई है ले तैयार है, ये देखिए खाएंगे बाद में। ब्रेड तो बनाई दी थी, ब्रेड खाएंगे कढ़ाई में, लिखा खाएंगे कढ़ाई से निकले गलू खाएंगे, लेकिन बनाए थे ब्रेड भी, फिर मगर ब्रेड में ज्यादा टाइम लगता है। कोई ना तड़िए पकौड़े रहे, मोदी ठीक कर रहा है, तेल महंगा बेसन महंगा, कहीं ना पकौड़े क्या ना देखो देखो, कोई ना बनाइए पकौड़े, कोई ना पकौड़े कुछ ना बनाइए, देखिए बारिश होली चार घंटे हो गए
चार ब्रेड नहीं लगे खर्चा हो गया चार सौ रुपये का उठाओगे भाई चटनी आओगी भाई इस चीज का इस वीडियो का यार यह मिला रहा है कि भाई मेहनत करके खाने में कितनी कठिनाई आवे बागदूर मतलब कराया कराया तो भाई दुनिया खैर लेकिन करके खाने में ना लकड़ी छोड़ दे करके खाने में बहुत बड़ा अहम योगदान हो भाई नीचे का पतीले में पकौड़ो नहीं ये और लहरे बड़ी हो गई बैग बड़ी है ना भाई माँ बना हुआ ना जी भाई खाना ये सच्चाई है भाई बिल्कुल वहीं तो कहता है भाई की काम हुआ माँ वहीं पढ़ते देख ले हम चार घंटे हो गए क्यों कहीं देखिए भी देख लुक का खान ला रहे ये नहीं छोड़ रहे लेकिन हाँ आया नेचुरल शुद्धा भाई करती एकदम नेचुरल बनाया आपने दिखाया गया वीडियो में क्लिप में एकदम नेचुरल शुद्धा देख इसमें बदलना आ गया हम मतलब बुरा हाल हो गया नहीं नहीं गाइस अब आपको ब्रेड बनाना सिखाएंगे इससे नॉलेज इससे अच्छी नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी ये हमने डाल दिया ब्रेड ठीक है ओके तो वीडियो को लाइक करिए सपोर्ट करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तब तक हम ब्रेड खाते हैं और बताएंगे कैसे बने पांच बंदे पांच बंदे पांच ब्रेड नहीं बनाया भाई उधर ना करते कैमरा मैन न्यू के एक बोली मुझे नहीं खा रहा हूँ पांच बंदे पांच ब्रेड नहीं बनाया भाई ठीक है कोई नहीं नेक्स्ट वीडियो मिलती है ऐसी वीडियो तब तक आप कमेंट कर सकते हैं आपने अगर ऐसे ही काम करो करो तो यही यादगार रहने वाली है कभी मेरे ऊपर कढ़ाई गिरते भाई जी ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लाइक नेक्स्ट लाइक नेक्स्ट लिक्स के साथ नेक्स्ट के साथ देखिएगा मुर्गा बना रहे पकौड़े बना रहे भाई अगर किसी ने ब्याह शादी में साई देनी ये सुभाष जी है कर ले ज्यादातर ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों आप बताइएगा जरूर निमट गया भाई एकदम बढ़िया भाषण दो रहे हैं ये सभी काम निमट गया ये बार रह गई कहनी बाकी भाषण दो का